बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है कुछ ऐसा है कि हम लोग पेपर चेक करने थे, मैं और अभी असद का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। और सीन कुछ ऐसा है कि आज मेरा दिल था कि जो न्यू बच्चे आ रहे हैं, जो सोच रहे हैं आईटेक आना चाहिए, उनके लिए एक छोटा सा व्लॉग जो है वो बना दूँ। तो पहले भी मैं ये व्लॉग बना चुका हूँ एक यूनिवर्सिटी का, और इसी गेट से आज से 2 साल पहले मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में आया था, और बिलीव मी बिल्कुल पता नहीं चला कि कैसे ये 2 साल गुजर गए। सो आई हैव कम्प्लीटेड माई 4th semester। अभी मैं असद का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही असद आता है फिर आपको मैं डायरेक्ट लेके जाऊँगा सेक्रेटरीट की तरफ, और वहाँ से अपना ब्लॉग जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। और असद जो है वो भी अब आ चुके हैं। सो वेलकम टू हाईटेक यूनिवर्सिटी। तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ अपनी यूनिवर्सिटी सेक्रेटरीट ऑफिस के पास। बच्चे आ रहे हैं। तो ये हमारा जो है सेक्रेटरीट ऑफिस है, और यहाँ पे आपको जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड या फीस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। और प्लस वो हमारे डिपार्टमेंट्स वहाँ से शुरू हो जाते हैं, और ये हमारी यूनिवर्सिटी की बेसिकली मेन एंट्रेंस है, और इसको आप हमारी यूनिवर्सिटी की माल रोड भी कह सकते हैं। यहाँ पे ही जो है सारे बच्चे यहाँ से ही आते जाते हैं। सो लेट्स सी, पहले आपको ऑफिस विज़िट करा देता हूँ और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, डिपार्टमेंट्स जाते हैं। वैसे पर्सनली मेरा इरादा तो ये था कि हम लोग जाते और हर डिपार्टमेंट में बच्चों से भी मिलते और उनसे इंटरेक्ट करते, लेकिन क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में एक इवेंट भी हो रहा है जो जिंदगी वालों की तरफ से है, जेएस बैंक की तरफ से, तो अभी सारे वहाँ बिजी हैं। प्लस बच्चे हैं भी नहीं क्योंकि समर है, और असद और मैं इस वजह से सिर्फ आए क्योंकि हमने पेपर चेक करने थे। तो पेपर अलग है जो कह रहे, कुछ अच्छे भी हैं नंबर्स, तो यूनिवर्सिटी में ही यह नंबर्स आपके जो है ना, वो जो बोर्ड टॉप वाले बच्चे हैं ना, 90 वाले 100 वाले, वो तो उनके लिए तो टेंशन की बात नहीं, लेकिन हम लोगों के हमें अंदाज़ा तभी होता है जब हमारे फाइनल रिजल्ट आता है। क्यों असद? बिल्कुल, जब जीती आता है तो उम्मीद तो यही है कि 3+ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं अभी ऑफिस, आपको दिखाते हैं। ये हमारे VC का ऑफिस, एडमिशन से वो ओपन है फॉर BS Fall 2023, और ये हमारा एडमिशन ऑफिस है। और अगर आप आगे जाएं तो वहाँ पे हमारा अकाउंटेंट ऑफिस है, और वहाँ पे आप अपनी फीस वगैरह जो उसको डील कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल वीडियो अलाउ होगी क्योंकि इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। बेसिकली यहाँ पे एक बैक विंडो है जहाँ से डील कर रहे हैं इसको, तो मैं आपको वो बैक विंडो जो है ना उसका रास्ता दिखा देता हूँ, प्लस वो विंडोज़ दिखा देता हूँ। अगर आप इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप वहाँ से जा सकते हैं। ये मेरे साथ घूम रहे कि कब ब्लॉग खत्म और ये घर जाए। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये एक छोटी सी सुनसान गली हमारी जहाँ से हम जा सकते हैं। और असर ये नहीं था विंडो, ओके लॉकडे ऊपर से दिखाते हैं आपको। तो ये वो विंडोज़ हैं जहाँ से आपको डील करेंगे, और अभी ऊपर चलते हैं। पर है ना, तो हमारे पास हमारे ऑडिटोरियम है, तो जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे हमारे पास हमारा इकबाल ऑडिटोरियम है, जो कि काफ़ी ऑफिशियली जो जितने भी इवेंट्स होते हैं ना उनके लिए यूज़ होता है। लेट मी सी फिक्स ओपन। तो ये भी लॉक है, तो यूनिवर्सिटी बंद है, और हम जो है मुश्किल है कोई चीज़ आपको दिखा सकूँ इस टाइम। हाँ, ऊपर नुसरत एक ऑडिटोरियम वो है, तो आई गेस वो ओपन होगा। हाँ सर, आने वो बेचारा था काम आपको ऊपर से दिखा देते हैं। ये हमारा नुसरत ऑडिटोरियम, और यहाँ पे बेसिकली जो प्रोग्राम हो रहा है जिंदगी जेएस बैंक की तरफ, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो लेट्स सी
इवेंट अंदर अभी चल रहा है, तो हम लोग अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और आपको यूनिवर्सिटी दिखाते हैं। ऑडिटोरियम जो हमारे ऊपर तो अगर नीचे हैं तो आपको दिखाते हैं हमारा सिविल डिपार्टमेंट प्लस मैथ्स डिपार्टमेंट, वो बीसी सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट के अंदर ही ऑफिस के अंदर। सो वो जो पोर्शन है वो सारा सेक्रेटरीट और इस तरफ हमारी लैब्स हैं। लैब्स भी आई गेस बंद ही हैं। यस स्टिल लैब्स भी बंद हैं। और अगेन वो हमारा नुसरत ऑडिटोरियम और ऊपर कैसा। हाँ, यहाँ से आपको मैं लेके जाता हूँ और मैथ्स डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट जो है वो जल्दी से विज़िट कराता हूँ। सो वो पोर्शन जो है वो हमारा मैथ्स डिपार्टमेंट और इस तरफ सिविल डिपार्टमेंट है, प्लस यहाँ पे हमारे ऑफिस हैं जो कि DSA ऑफिस है। डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे क्लासेस होती हैं एंड सामने हमारे पास मैथ्स डिपार्टमेंट है और यहाँ मैथ्स की क्लासेस होती हैं। इन सेंटर हमारा स्टूडेंट अफेयर्स है वो यहाँ पर ही है। सो इन केस आपको कोई भी इशू आप आ सकते हैं यहाँ पे। अभी निकल आए हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से और अभी हम मूव कर रहे हैं इसरार ब्लॉक। तो ये जो सामने ब्लॉक है ये सारा इसरार ब्लॉक है और जब आप यूनिवर्सिटी एंटर भी होते हैं तो इसरार ब्लॉक आपको सामने नज़र आता है हमारे सेक्रेटरीट ऑफिस के दूसरी तरफ। मेरा दोस्त है हनान, ही इज़ फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। ये ज़िंदगी प्राइज़ वालों का एक हमने बंदा पकड़ लिया। सो हनान, टेल अस अबाउट ज़िंदगी। यार क्या ज़िंदगी है? एक बिज़नेस आइडिया को जो है प्रमोट कर रहे हैं जिसमें आपने एक बिज़नेस आइडिया देना है और उसकी वजह से जो है उस आइडिया को अगर कोई बंदा पसंद जजेस पसंद करते हैं तो आपकी सिलेक्शन होगी, उसमें आपको फिर विनिंग प्राइज देंगे और हो सकता है कि नेशनल, अभी ये रीजनल हो रहा है यहाँ पे, इसके बाद नेशनल कॉम्पिटिशन होगा और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि आपको क्या कहते हैं बाहर का एक वैसी टूर भी दे सकते हैं दुबई का और साथ में विनिंग प्राइज़ जो है अगर नेशनल आप जीते तो 10 लाख है और अगर आप यहाँ रीजनल अभी जीते तो 1 लाख आपको प्राइस मिलेगा। तो इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, मतलब अगर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। ये यहाँ पे जो अभी हर यूनिवर्सिटी में ये लोग आए थे क्योंकि अगर उधर से जो लोग जिन लोगों की सिलेक्शन हुई थी ना सिर्फ वही अब रीजनल का है। ओके, सो अब ये रीजनल चल रहा है। थैंक यू, ही इज़ रियली बिजी। चलें आपको अपना जो यूनिवर्सिटी ब्लॉग है उसको कंटिन्यू करते हैं और आपको इसरार ब्लॉक लेके चलते हैं। तो इसरार एंड अगेन हमारी माल रोड, प्यारी सी ये माल रोड की सेंस है। माल रोड मतलब जैसे मरी की माल रोड है ना, तो हर यूनिवर्सिटी की एक माल रोड होती है। सो ये हमारी माल रोड है। असद, आप पढ़ाई इसके अलावा भी कुछ जो है ना ब्लॉग में बता दिया करें, आपको पता सब कुछ होता है। सो ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और जैसे आप आगे आएंगे तो यहाँ पे हमारा बैडमिंटन कोर्ट भी है एंड इट्स रियली गुड। एंड फर्दर ऑन अगर हम आगे चलते रहे वहाँ पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जिंदगी प्राइस वालों का सारा सेटअप है, वो रिसेप्शन है वहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ से ऊपर लेके जाता हूँ। दिस इज़ द स्टेयरवे टू द अदर डिपार्टमेंट्स, हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो आपको वो विज़िट कराता हूँ कैसे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल प्लस बायोमेडिकल का डिपार्टमेंट है और ये ऊपर से आपको मैं दिखाता हूँ हमारा कोर्ट यहाँ पे, अगर आप खेलना कूदना चाहें तो यहाँ आ जाएं। अब जब उन सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो लेफ़्ट साइड जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल की क्लासेस हैं और राइट साइड पे मेडिकल। इस टाइम हम लोग बायोमेडिकल की क्लासेस की तरफ जा रहे हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हेयर और हर डिपार्टमेंट के अंदर एक टेबल टेनिस भी है अगर आप खेलना चाहें। सो मूविंग ऑन, दिस इज़ हॉल वे और यहाँ पर हमारी क्लासेस होती हैं। क्लासेस भी बंद हैं, यस बंद है यार, इन्होंने कोई क्लास नहीं ओपन रखी पर आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो हमारी क्लासेस कुछ ऐसी हैं और अब आपको ऊपर वाले डिपार्टमेंट लेके जाता हूँ। सेम वहाँ पे भी हमारे इसी तरह दिखाता हूँ। ये भी सीढ़ियाँ प्लस वो भी रास्ता है हमारे पास। जो डिपार्टमेंट है ये इसरार ब्लॉक इसे कहा जाता है। तो इसरार ब्लॉक में एंट्रेंस जो है ना चारों साइड से और ये सीढ़ियाँ जो हैं ये भी आपके ऊपर वाले डिपार्टमेंट से लेके जाती हैं प्लस नीचे। सो आपको एक और यहाँ पे चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे सेकंड फ्लोर पर आए बायोमेडिकल इंजीनियर। सो इस तरफ आपको वज़ू करने की जगह मिल जाएगी और आप यहाँ से वज़ू कर सकते हैं।
जुम्मे के लिए अक्सर हम लोग लेट हो जाते हैं, तो मैं और असद जाए क्यों, क्योंकि हमारा ब्लॉक है सर सैयद ब्लॉक, हम लोग की क्लासेस वहाँ थी, तो मैं और असद अक्सर यहाँ पे ही वज़ू करने आते हैं। एंड चेक आउट दिस व्यू, आज मौसम काफ़ी अच्छा है। और सामने आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये हमारा जिना हॉस्टल है फॉर बॉयज़। तो अभी आपको हॉस्टल तो मुश्किल है आज दिखाना, क्योंकि बच्चे नहीं हैं, जिन्होंने समर लगाया खैर वो तो है, लेकिन अभी आपको सिर्फ आज डिपार्टमेंट्स जो है ना वो विज़िट कराता हूँ। वो सर सही है, तो अभी आप ऊपर चलते हैं, आपकी कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट दिखाता हूँ और फिर वहाँ से आपको ले जाऊँगा मेरे डिपार्टमेंट में, जो कि है सर सैयद ब्लॉक। ओके जी, तो दिस इज़ होल सीएस डिपार्टमेंट प्लस सीई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सीएस वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर होते हैं, और हमारी भी कुछ क्लासेस यहाँ पे शुरू में होती थी जब हमारा ब्लॉक नहीं था। सो दिस इज़ कम्बाइंड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, और ये जो अपस्टेयर्स ऊपर जाते देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पे लैब्स हैं हमारी। तो इस बिल्डिंग में ये है कि इसका सीक्वेंस जो है ना ऑलमोस्ट सेम है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे वो जगह जहाँ से मैं सीढ़ियों से ऊपर आया था, तो नीचे मैकेनिकल, ऊपर इलेक्ट्रिकल, ये साइड में हमारी बायोमेडिकल वालों की है, और ऊपर है तो ये हमारा सारा सीएस का डिपार्टमेंट। अब इसमें सिंक्रोनाइजेशन कुछ ऐसे कि जितने भी आपके फ्रंट पे आपको रूम्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे ऑफिस हैं आपके डीन्स और टीचर्स के, प्रोफेसर्स के। सो अगर आप इस साइड पर बिल्डिंग के देखें तो यहाँ पर हमारी लैब्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब की लैब्स आपको इस तरफ नज़र आएंगे। तो जब आप यूनिवर्सिटी आएंगे तो दिस इज़ वे योर लैब्स आर। और अब मैं आपको ले कर चलता हूँ हमारे ब्लॉक सर सैयद ब्लॉक में, यहाँ से ही नीचे चलेंगे। तो जैसे मैं आपको रास्ते का बता रहा था, ये एग्ज़िट है यहाँ पे, ये एग्ज़िट है, और इसी तरह अपोजिट साइड पर भी एग्ज़िट है। तो अभी आपको ले कर चलते हैं बाहर। ओके जी, तो अब हम लोग इस रार ब्लॉक के बाहर आ चुके हैं, और वो हमारा वहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे वॉलीबॉल खेलते हैं, बस आप और भी कौन सी गेम्स खेलना चाहें। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है रूमी ब्लॉक। सो रूमी ब्लॉक में क्या, बेसिकली रूमी ब्लॉक के जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे हमारा कैफेटेरिया है, और अभी आपको कैफ़े भी दिखाते हैं। और इसके जो टॉप पे बिल्डिंग है वहाँ पे हमारा बीबीए का डिपार्टमेंट है, एंड प्लस जैसे कि असद एज ए सीआर का चक्कर बहुत ज़्यादा लगता है बैक पे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे है हमारी यूनिवर्सिटी की क्या है असद, प्रिंट शॉप, प्रिंट शॉप। तो आप अगर कोई भी, जैसे कि आप अब आएँगे यूनिवर्सिटी तो आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा असाइनमेंट्स और क्विज़ेस होते हैं, सो आपको प्रिंट बहुत ज़्यादा कराना पड़ेगा, तो आप बैक पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमारे कामिल भाई, सॉरी कामिल हमारा कोऑर्डिनेटर है, खुरम भाई, कामिल भाई नाराज़ हो जाएंगे अगर उन्होंने ब्लॉग देखा, खुरम भाई हमारे बहुत अच्छे, वो वहाँ पे आपको प्रिंट्स निकाल के देंगे। हाँ, आप अच्छे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पैसे कम कर देंगे, बट अच्छे पैसे बोलते हैं। अच्छा, अब आपको ना कैफ़े विज़िट कराता हूँ, दिस इज़ अवर कैफ़े। यहाँ पे हमारा एक कैफ़े होता था ड्रीम कैफ़े, और ये अब आजकल क्लोज है, और अगर इसी से ऊपर जाएं तो हमारे पास आ जाता है बीबीए का डिपार्टमेंट। ये हमारा बीबीए डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। सो फाइनली वी आर गोइंग टू सर सैयद ब्लॉक, और ये हमारा डिपार्टमेंट है, और आपको अंदर सब विज़िट करते हैं। और ये बैक साइड है हमारे इसरार ब्लॉक के, और इधर से ही आगे जाएँ तो हमारे पास आ जाता है जिना हॉस्टल स्टूडेंट्स का। ये तो यहाँ पर वो दिखाता हूँ, ये हैं गेट्स, यहाँ पे अक्सर जो एच आई टी से डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो आते हैं जुम्मा पढ़ने, और ये हमारा सर सैयद ब्लॉक, तो इसको अंदर से आपको विज़िट कराता हूँ। अच्छा, जो मेरा प्लान था, स्टूडेंट्स तो नहीं मिले लेकिन अपने ब्लॉक के लिए सर, असद क्या कहना चाहोगे फैकल्टी के बारे में बताओ। बहुत अच्छी फैकल्टी है, हाईली लैब्स आपके पास बहुत अच्छे हैं। ओके, सो असद हमें अब विज़िट कराएगा हमारा ब्लॉक। तो ये हमारी लैब है, ये हमारी लैब है, तुम लाइट्स ऑन कर लेना। ओके, सो दीज आर लैब्स।
हाँ अभी बच्चे बैठे थे तो सिटिंग अरेंजमेंट इतना सही नहीं, और इसी तरह कंप्यूटर, क्योंकि हमारा मोस्टली काम ही कंप्यूटर से, एंड इसी तरह हमारी ये सेकंड लैब है, ये आई गेस बंद होगी, और यहाँ से ऊपर जाएँ तो हमारी क्लासेस आ जाती हैं सर सैयद ब्लॉक की। असद दिखाओ क्लासेस हमारी। अच्छा, और यहाँ की पढ़ाई के बारे में क्या कहोगे? तो पढ़ाई के बारे में क्या कहना चाहोगे, मतलब बेस्ट है और रिकमेंड करते हो? हाईटेक में बच्चे हैं, हाईटेक रिकमेंड करता हूँ। लॉक्ड है, क्लासेस लॉक हो रही हैं, सो ये हमारी क्लासेस हैं यहाँ पे, आई गेस सारी लॉक है। और ये हमारे फैकल्टी ऑफिस, यहाँ पे ये हमारे बिलाल भाई हैं, यहाँ के रनर। और क्या हाल है बिलाल भाई? ठीक है। और वो कामिल सर बैठे जिनको मैं प्रिंटर वाले से मैच कर, और हाँ ये हमारी HOP है उनका ऑफिस। एक न्यू चीज़ ये भी आ रही है डिपार्टमेंट में कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो दो न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च करें। जैसे आप अभी से देख सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था, और अभी जो न्यू आ रहा है वो है साइबर क्राइम प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा जो बढ़ती जा रही है। तो दिस वॉज अवर डिपार्टमेंट लास्ट वन, और हम लोग ऐसा करते हैं कि आपको ना जिना हॉस्टल भी विज़िट करा ही देते हैं यार, इतना सब दिखा दिया था। और पता नहीं रूम्स अलाउ करते हैं अंदर जाना या नहीं, क्योंकि जो हम लोग नॉन हॉस्टलाइट्स हैं हम लोग को तो अलाउ नहीं करते ऊपर जाना। वैसे हम लोग जाते रहते हैं यार, ये कोई नहीं, चुप के निकल जाए दोस्तों के साथ भाग के चले जाओ, कोई नहीं पता नहीं चलता। लेकिन स्टिल अगर आपको पकड़ लें तो वो आपका कार्ड ले लेते हैं और फाइन हो जाता है 500। तो अगर आपका कोई इतना अच्छा दोस्त है जो आपको छुपा के ले जाए तो गुड सीन है। हॉस्टलाइट्स हैं अभी बेचारे घर जा रहे हैं, और ये रास्ता है जी हमारे हॉस्टल का। कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ समर की वजह से यहाँ पे ही फंसे हुए हैं। जो है ना हाईटेक का स्टेडियम है सारा, और यहाँ पे हमारे क्रिकेट के मैचेस, वॉलीबॉल सब चलता है यहाँ पे, और इवन नेशनल लेवल पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज भी जब आती हैं तो यहाँ पे मैचेस होते हैं हाईटेक यूनिवर्सिटी। और ये है हमारे डिपार्टमेंट, सॉरी हॉस्टल। हॉस्टल के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी है जो सुबह नाश्ता करने के लिए। इस यहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे भाई जासिम भाई हैं जो यहाँ पे, जिनका ये है कैफ़े, और मोस्टली यहाँ पे नाश्ता करने आते हैं बच्चे हॉस्टल के, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी क्लास में पहुँचना होता है। सो जासिम इज़ द लाइफ सेवर हियर। सो खैर ये हमारा जिना हॉस्टल है, अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आप देख सकते हैं सफाई हो रही है, कपड़े बाहर निकाले उन्होंने। सो बस चलते हैं अब, वो हम लोग वहाँ से आ रहे हैं अपने डिपार्टमेंट से, और यहाँ पे हमारा है बास्केटबॉल कोर्ट। बेसिकली सारे बिजी हैं इस इवेंट में, अभी रात को यहाँ पे कल्चर डे का इवेंट भी होना है। और नाउ हम लोग वापस जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ काम ही नहीं है। सच बात है, सच्ची देखो सच बोलना चाहिए, आज वैसे भी जुम्मा है ना। तो अभी हम लोग इस टाइम है गोल चौक, इसको कहते हैं दुनिया चौक, दुनिया चौक। सो दुनिया यहाँ पे दुनिया इनको, अभी अभी तो दुनिया नहीं नज़र आएगी यार, जब तुम लोग आओगे सारे तभी दुनिया भी यहाँ पे होगी। और आपको रंग गोल वाली दुनिया की बात, हाँ ये गोल वाली आपको दिखाता हूँ। तो जी ये असद इस गोल दुनिया की बात कर रहा था, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से एंट्रेंस माल रोड। और अच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा जो यूनिवर्सिटी का होता है वो होता है उसकी लाइब्रेरी और मस्जिद। तो ये हमारी मस्जिद है माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और इसके नीचे ही यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी है। सो लाइब्रेरी खुली होगी, लाइब्रेरी सो आपको लाइब्रेरी भी दिखा देते हैं जल्दी से, और देखते हैं अगर अंदर से वीडियो बनाने दें। तो ये जो हिस्सा है ना यहाँ पे हिफ्ज़ कराया जाता है बच्चों को, और वो जो सामने आप देख रहे हैं हमारे लाइब्रेरी की एंट्रेंस है सामने, और ऊपर सारी मस्जिद है।
हमारा असद जो है ना ये एच आई टी से, अगर आपने एच आई टी वाला मेरा ब्लॉग देखा हो आने ही नहीं देते इसने भी, हाँ इसने भी निकलना है वहाँ से, टिकट करा रहा है इंग्लैंड की इंशाल्लाह। ये जो आप देख, आपकी जुबान मुबारक, हाँ ये जिसका हाल हुआ है ना पढ़ पढ़ के आपके वो घी शक्कर तो अच्छा असद आप बता रहे थे ये एजुकेशन सिटी क्यों है हाई टेक, क्योंकि आपको ना सारी एजुकेशन यहाँ पे मिलेगी। अच्छा जी, स्कूल नर्सरी प्रेप 1-2 मैट्रिक, मैट्रिक के बाद एफएससी, एफएससी के बाद आपकी यूनिवर्सिटी, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। इसलिए इसको जो एजुकेशन सिटी कहते हैं। यहाँ पे कैम्ब्रिज भी है ना, कैम्ब्रिज भी है, आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये हमारा प्री स्कूल है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, और ये कॉलेज है यहाँ पे गर्ल्स का, ये स्कूल है वो बच्चों का जूनियर स्कूल, और बॉयज़ का कॉलेज वहाँ पे है। तो बॉयज़ आपने उधर ही रहना है, इस तरफ नहीं आना, हम जा सकते हैं हम यूनिवर्सिटी वाले। सामने आपको ये जो नज़र आ रहा है वो है बॉयज़ हॉस्टल, और गर्ल्स को ना देखो यार क्या हो गया। और इसी तरह अगर आप भी यहाँ पे, यहाँ दरख्त है एक मिनट, ये हमारी यूनिवर्सिटी की मस्जिद, और आपको ऊपर से दिखाता हूँ, वो आपको पीछे नज़र आ रहा होगा एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, बेसिकली वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है। एक और गर्ल्स हॉस्टल भी है जो कि इसी की बैक पर है, जो हमारे मेन एंट्रेंस गेट है उधर से आप देख सकते हैं, और प्लस वहाँ पे एचआईटी का रास्ता भी है वहाँ से निकलने का। ये आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे जो लड़कियाँ, उनके लिए भी एक तो ये सिटिंग एरिया है, इसी लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली गर्ल्स, ओनली फॉर लेडीज़, और यहाँ पर उनकी मस्जिद है। असद आप भी एक वेबसाइट डेवलप कर नहीं रहे थे यार, इसी से रिलेटेड कोई, ओनली क्या था, ओनली मैन, हाँ समझ रहे हो ना। यहाँ पे जो है सिर्फ वो लोग पार्किंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स जिनका टैग लगा हुआ है, यहाँ पे आपको टैग लगवाना पड़ता है गेट के साथ ही, हमारा ऑफिस है सिक्योरिटी का, वहाँ से आपको वो टैग मिल जाएगा। तो असद अभी अपनी गाड़ी निकाल और ये गेट जो है ना ये एग्जिट गेट है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, और जिनका टैग नहीं लगा होता फिर वो अपनी बाइक्स यहाँ पे पार्क करते होते हैं। सो ऐसे की गाड़ी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये वो टैग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ यहाँ पे अगर आप बाइक अपना पार्क करना चाह रहे हैं या कार, उसके लिए टैग बहुत ज़रूरी है। ओके जी, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, अब हम लोग घर जा रहे हैं, असद भी थक चुके हैं आज मेरे साथ, इसने काफ़ी ज़्यादा ख्वारी काटी है। सो थैंक यू, और इंशाल्लाह मिलेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में, और रैगिंग जो उसके लिए भी तैयार रहो तुम लोग, वो करनी है हमने, हम आपका वेट कर रहे हैं। सो और लाइक और सब्सक्राइब करो, अगर सब्सक्राइब क्या होगा ना तो फिर शायद मैं तुम्हारी रैगिंग ना करूँ, सही है तो हाँ पहले पूछें कि सब्सक्राइब हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर रैगिंग होगी, हाँ फिर रैगिंग है। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, और सी यू, अल्लाह हाफिज़।